नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ और मैं हूं राम स्वरूप शर्मा। तो इस वक्त हम संगलोड देवस्थान की जो यात्रा जाने वाली है तो वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें संगलोड यात्रा जो है वो पैदल ही जो पौनी की पहाड़ी है वहां पे संगलोड देवता जी विराजमान है और काफ़ी तादाद में जो है वो जहाँ पे हर साल प्रतिदिन यात्रा जो है वो बढ़ती रहती है। आपको बता दें इस बार यात्रा जो है वो लगभग हजारों की तादाद में देवस्थान संगलोड की ओर प्रस्थान कर रही है। कुछ स्थानीय युवा है जिन्होंने जहाँ पे लंगर की व्यवस्था की है। आपको बता दें जहाँ पे काफ़ी कठिन चढ़ाई है जिस कारण जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है और इस बार लाइट का प्रबंध हो चुका है। यही वो पहाड़ी है जहाँ पे ये श्रद्धालु जो है वो पैदल ही प्रस्थान करते हैं। हर साल यात्रा जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये ठंडा पानी क्षेत्र है जहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा लंगर की व्यवस्था की गई है। तो आज जो है वो श्रद्धालु पैदल ही बाबा जी के दर्शन करने के लिए संगलोड देवता के स्थान पे पहुँचने वाले हैं। तो ये लंगर की व्यवस्था जहाँ पे की गई है ये हम आपको दिखा रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से बाबा संगलोड देवस्थान की यात्रा। सरकार की।